ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଟାଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏବଂ 80 ଫୁଟ ଗଭୀର ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ଶିଶୁପୁତ୍ର ରାହୁଲର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇକି 80 ଫୁଟ ତଳ ଗଭୀର ବୋରୱେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା NDRFର ପୁରା ଟିମ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ଅପରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି NDRFର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରେସନକୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ବା ସଫଳତା ସହ ସେମାନେ ତାକୁ ପୁରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ମୁଣ୍ଡଳି ତୃତୀୟ ବଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମିଶ୍ର। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରତା ଆପକୁ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମେ। ସାର୍, ଯୋ ଇତନା ବଡ଼ ଅପରେସନ ଥା ଆପ ଲୋକ 80 ଫୁଟ ଗହରାଇ ମେ ଜାନା ଔର ଉସ ବଚ୍ଚେ କୋ ୱହାଁ ସେ ଜୀବିତ ଉସକୋ ସଫଳତାକେ ତୌର ପେ ଉସକୋ ୱହାଁ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରନା, ଏ ଯୋ ଅପରେସନ ଆପକେ ଲିଏ କିତନା ସବସେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥା? काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली जो है बोरवेल में एक मैंने बताया वहाँ कैविटी बनी हुई थी जिसमें बच्चा जाके शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसके पास अप्रोच करना मुश्किल हो रहा था। हम जो टनल बना रहे थे बच्चे के पास जाने के लिए, वो चट्टानों की वजह से हमारे जो है बहुत मुश्किल हुई थी उनको तोड़ना। टनल में जो है नमी थी बहुत ज़्यादा, कीचड़ था, हवा की कमी होने की वजह से वहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा था। और जो उसमें पत्थर बड़े थे तो उनको तोड़ने के लिए जो इक्विपमेंट लगाने पड़ रहे थे, वो 52 kg के जो इक्विपमेंट थे उनको हाथों पे उठा के चलाना और उसके वाइब्रेशन को झेलना वो काफ़ी मुश्किल हो रहे थे। लेकिन हमारी टीम थी, जो हमारे लड़कों थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी से जो है इन सारे मुश्किल का सामना किया और हमारे ऊपर कृपा रही, भगवान की जगन्नाथ की कृपा रही, हम लोग जो है बच्चे को सुरक्षित लेके आए। इस तरह का ऑपरेशन ये पहली बार आप लोगों के लिए था ना? इससे पहले और भी कई बार इस तरह का ऑपरेशन आप लोगों ने किया है? इस तरह NDRF में जो है बोरवेल के ऑपरेशन इसके पहले भी होते रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कोई बच्चा इस तरीके से फंसता है इस क्रिटिकल हालत में, कहीं भी अगर कोई भी मुश्किल आपदा आ जाती है तो फाइनली वहाँ पर अंतिम चारा जो है अंतिम उपाय होता है NDRF को बुलाना और हम लोग वहाँ पर जाते हैं करते हैं। इतनी बड़ी गहराई में जाना और उस बच्चे को जीवित वहाँ से सुरक्षित ला उधार करना, ये जो कहा जाता है कि बड़े बड़े चट्टान वहाँ पे थे, पत्थर थे, मिट्टी थे, तो इन सभी के बीच में फिर आप अपने जो ज़िंदगी को, अपने जीवन को आप लोगों ने मतलब आप लोगों की जान को डेंजर मतलब वहाँ पर था, तो इस तरह के चैलेंज में जाना, उस बच्चे को जीवित ले आना, वो किसका ऑपरेशन था उस वक्त के साथ आप लोग? ये निश्चित रूप से चैलेंजिंग था। जिस गहराई पर हम लोग खड़े थे वहाँ पर ऊपर मिट्टी थी और हम लोग बार बार बोलते थे कि उस पे पास किसी को आने मत दीजिए, क्योंकि लोग आते थे उनके पैरों से मिट्टी खिसक के गिरती थी नीचे, तो ऊपर से जो छोटा सा भी कंकड़ गिरता था ना नीचे बहुत तेज चोट पहुंचाता था। हम लोग इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन बार बार लोग हमारी बातों को मानते नहीं थे, देखने के लिए ना झांकने के लिए वहाँ आ जाते थे, तो छोटा सा भी पत्थर गिरता था ना 60 फीट से जब उस सर पर टकराता था ना तो चोट आती रहती थी, हमको उस कंकड़ों को भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन लाइफ रिस्क था, टनल में काम करते समय किसी भी समय डर बना हुआ था कि टनल बैठ सकती है। बच्चा वधीर था, मतलब सुन नहीं पा रहा था, मतलब बोल भी नहीं पा रहा था, तो जाके जो कि हमको बाद में खबर मिली, लेकिन उस वक्त वो बच्चे को वहाँ से आप लोगों का मैसेज देना, फिर वो बच्चा आपको मैसेज पे रिस्पॉन्ड करना और फिर उसके अंदर में कुछ सांप भी आ गए थे, कुछ मेंढक भी आ गए थे, तो उस तरह के चीज़ को आप लोगों ने कैसे सामना किया? जी, बात के पहले पता चला कि बच्चा मूक वधीर है, लेकिन हम लोगों ने प्रसंग दौरान देखा कि बच्चा सुनता था लेकिन वो सुनने के बाद चीज़ों को सही तरीके से समझता नहीं था, है ना। अगर किसी बच्चे को आपने बोला कि यहाँ जाके खाना खा लो, तो अब वो पूरी बातों को समझता नहीं था, किसी एक शब्द को समझ पाता था, वाक्य को पूरी तरीके से समझ नहीं पाता था और इसी तरीके से वो बोल नहीं पाता था। बोलने में जब हम लोग उससे बोलते थे तो केवल वो जो है कराहता था, थोड़ी बहुत जो है वहाँ की आवाज़ आती थी, लेकिन जो है टीम ने हमारी इतना उससे अटैच हो गई थी कि जो है वो बाद में हमारी पहले अपने सिर्फ अपने भाई और दादी की आवाज़ पर रिस्पॉन्ड करता था, बाद में जब हमारी टीम जो है लगी रही तो हमारी टीम पर भी रिस्पॉन्ड करने लगा था, हम उसको आवाज़ देते थे तो रिस्पॉन्स जो है रिप्लाई देता था। लास्ट आखिरी सवाल है, जब आप लोगों ने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद उस वक्त का सिचुएशन कैसा, जब बच्चा बाहर आया तो उस वक्त का सिचुएशन कैसा? जब बच्चा हमको बाहर मिल गया तो हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बच्चे को तुरंत जो है ना मेडिकल चिकित्सा दी जाए, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसको टनल से बाहर निकालना था। डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था, हम लोगों ने डॉक्टर बुला रखा था ताकि वहाँ पर अब उसको स्ट्रेचर पर शिफ्ट करना और उस छोटी सी जगह में बच्चे को स्ट्रेचर पर डाल के और वहाँ से बच्चे को लेके बाहर आना, फिर हम लोग बच्चे को लेके बाहर आए, डॉक्टर वहाँ थे, उन्होंने थोड़ा सा उसके कुछ जो प्राथमिक इनिशियल क्लीनिंग थी वो करने के बाद ऑक्सीजन दिया और हम लोग बच्चे को एम्बुलेंस बुला के शिफ्ट किए। जी ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ NDRFର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫିସର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ଯାହାକି ଏତେ ବଡ଼ ଅପରେସନକୁ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ସଫଳତା ସହିତ ସେ ବଡ଼ ଅପରେସନକୁ ସଫଳ କଲେ ଏବଂ ସେ ରାହୁଲକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲା NDRFର ଟିମ୍ ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ବା ସେଠାକାର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ NDRFର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ
इमरान खान और गोस्ट न्यूज़।